तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग कैमरे के अंदर एक कमाल का हिडन फीचर बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं कमाल का फीचर बताने वाला हूँ, जिसका नाम है मोशन फोटो। दोस्तों ये फीचर क्या है, कैसे यूज करते हैं और ये आपको फीचर कहाँ मिलेगा, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्किप मत करेगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो यह समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ मोशन फोटोज़ के बारे में। दोस्तों आपको अगर आपने आईफोन में कोई फोटो फोटो क्लिक करी हो तो वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लाइव फोटोज़ करके। आप फोटोज़ पर क्लिक करके रखेंगे, वहाँ पर आपको लाइव फोटो मिल जाती है, मतलब कि एक छोटी सी वीडियो बनी हुई मिल जाती है। सेम उसी से रिलेटेड ये वाला फीचर है मोशन फोटो। ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे यूज़ करना है तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको दोस्तों करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की यहाँ पर कैमरे वाली ऐप में। जैसे ही आप यहाँ कैमरे की ऐप में आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर मैं ऑफ कर दिया मैंने, और अब इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा मोशन फोटो, ये ऑन हो जाएगा। ये दोनों तरफ काम करेगा, आपके फ्रंट में भी और बैक में भी। तो मैं पहले आपको यहाँ पर बैक में यूज करके बता देता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने एक फिंगर की ऐसे ही मैं ऊपर नीचे करके एक फोटो क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे मैंने एक फोटो क्लिक करी। फोटो क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर फोटोज में आया हूँ। फोटोज में आने पर आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको एक ऑप्शन मिल रहा है व्यू मोशन फोटोज, आपको दिख रहा होगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो टाइप की मिल जाएगी, जो कि आपको दिख रहा होगा 2 सेकंड की वीडियो है। आप चाहें तो उसको यहाँ पर इस पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं लाइक GIF, और वीडियो के फॉर्म में आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको सिर्फ आपकी जो वीडियो बनी है सिर्फ वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं। आप वीडियो को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर आपकी सिर्फ वीडियो फोटोज रह जाएगी और आप वीडियो वहां पर डिलीट भी कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पर फ्रंट में भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रंट में आ गया हूं और मैंने फ्रंट में यहाँ पर अपनी एक फोटो को क्लिक करा। आप देख सकते हैं ये मैंने फोटो यहाँ पर क्लिक करी। अभी मैंने फोटो क्लिक कर ली है, यहाँ पर आपको नीचे व्यू मोशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 2 सेकंड की एक वीडियो भी बनी हुई दिख रही है। आपको दिख रहा होगा यह यहाँ पर 2 सेकंड की आपको वीडियो भी दिख रही है। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट शेयर करेंगे तो यहाँ पर फोटो शेयर होगी, अगर आपको वीडियो शेयर करना है तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं टैग भी मिल जाएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये मोशन फोटो है, और अगर आप इसको वीडियो के फॉर्म में शेयर करना चाहते हैं तो आपको व्यू मोशन पे जाना है। यहाँ पर अगर आपको किसी भी एंगल का, मान लो आपने देखा कि यार बहुत सारे एंगल्स की फोटो हो गई हैं, आपको जिस एंगल की फोटो अच्छी लग रही है आप यहाँ पर उस पर क्लिक करके फोटो उसकी भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब कि हम कोई फोटो को शूट कर रहे हैं और हमने एक फोटो शूट करी बट वो फोटो सही नहीं आई, बट उसकी जो वीडियो बनी व्यू मोशन फोटोज में उसमें से आपने कोई भी आपको एक अच्छा सा वहां पर आपको फ्रेम मिल गया, आप उसकी फोटो क्लिक कर ले या स्क्रीनशॉट वहां पर आपको मिल जाएगा और आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी फोटो में। और अगर आप इस वीडियो को अगर आप GIF बनाना चाहते हैं तो आप ये 3 डॉट्स पर क्लिक करें, यहाँ पर आएगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन, यहाँ पर आप GIF में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे किस पार्ट को आपको कन्वर्ट करना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर आप उसकी स्पीड भी कम ज़्यादा तेज कर सकते हैं। मतलब कि ये फीचर्स तो बहुत शानदार दिया गया है यहाँ पर। और अगर आपको उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है तो सिंपल यहाँ जाइए, एक्सपोर्ट पर जाइए और यहाँ वीडियो पे क्लिक कर दीजिए तो वीडियो आपके यहाँ के सेव हो गई होगी। आप देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पर सेव हो गई है। तो ये फीचर तो मुझे बहुत कमाल का लगा। ये आपको सिंपली कैमरा ऐप को आपको खोलना है, जैसे ही आप कैमरा ऐप खोलेंगे तो आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा व्यू। यहाँ पर आप देखेंगे इफेक्ट्स के बगल में आपको एक सिंपल साइन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है तो आपको बता देगा मोशन फोटो ऑफ या ऑन का। ये फीचर तो मुझे बहुत कमाल का लगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ही मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो कुछ कभी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।